एक तरफ हमारे ओन भाई खड़े हैं फाइनल लड़ाने के लिए, पहला पतंग उड़ाने जा रहे हैं लेकिन हवा नहीं है, और पीछे जो है हमारे इमरान भाई खड़े हैं वो थर्ड फोर्थ पोजीशन के लिए लड़ाएंगे स्पीड से, और यम लड़ेगी फाइनल में नवाब से। तौसिफ और हमारे सैफी यहीं पे हैं, बता रहे हैं कि हवा है, उड़ानी पड़ेगी। शालम आए हुए हैं हमारे कल के सुपर स्टार हमारे, देखिए अमान क्या हाल है। अमान बढ़िया है आपके? अरे आप लोग भी इतना बढ़िया पतंग लड़ा रहे, सबको सिखा रहे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल, आप जरूर जरूर बिल्कुल बिल्कुल जरूर सबको कामयाबी मिलेगी। आइए दोस्तों, फाइनल का पहला पेज देख रहे हैं। नीचे की तरफ से नवाब, ऊपर से यम काई क्लब के मेंबर हैं। कौन है देखना पड़ेगा, कौन है ऊपर से ऑन है, कौन नहीं, ये है ऑन। अंदर की तरफ उतार के थपकी लगा रहे हैं। नवाब ने बाहर की तरफ ताकत से खींचा, नहीं पेच हुआ। पेच बिल्कुल सही है। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर से यम से लड़ा रहे हैं ऑन। नीचे से मेरे ख्याल से तारिक भाई हैं। फाइनल का ये पहला पेज देख रहे हैं। ऑल इंडिया आगा स्पोर्टिंग काई टूर्नामेंट, 128 टीमों का मैच में ये दो टीमें बची और ये फाइनल लड़ रही हैं। पहला पेज आप देख रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, भारी भरकम डमरू है, और नीचे जो पतंग है मीडियम कांप की पतंग, ठीक है। लेफ्ट साइड वाली पतंग ध्यान से देखते रहिए, बढ़ करके रखा हुआ है, चेहरे की तरफ बढ़ रहे हैं। इससे पहले स्पीड को बहुत ही बढ़िया सेमीफाइनल में बाहर किया था, आज स्पीड और अवध थर्ड फोर्थ प्लेस के लिए लड़ेंगे, तब तक रखा पतंग हटाया। बिल्कुल चेहरा लेने की कोशिश कर रहे हैं, अंदर की तरफ जल्दी से लेके आएँ, वो हटा रहे हैं, और अंदर लेके आए यम वाले, और अंदर अंदर मतलब अपोनेंट की तरफ बढ़ना। चलिए वो भी चला रहे हैं नीचे नीचे। पेज की रेंज मेरे पास से 300 मीटर और पेज कैंसिल। पेज तो नहीं लड़ रहे हैं लेकिन हम लोग शिकंजे को एंजॉय कर रहे हैं। ये गाइड कल्चर के पैसों की बहुत अच्छी लग रही है, फ्री के पैसों की बात ही अलग होती है। पीते रहिए भैया आप लोग, और जीते रहिए। अबे डाले बोल के साथ डालिए क्या, ये डाले ना तो अच्छा नहीं होगा। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, नहीं पेज फेरे जा रहे हैं ना अभी। अरे यार लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, अब नीम के ऊपर जो है यम की पतंग लेफ्ट साइड, वो अंदर बढ़ते हुए तारिक उन्होंने लादा, अब पता नहीं पतंग दिखेगी कि नहीं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, अंदर की तरफ उतारा तारिक भाई की पतंग देखिए, बाहर की तरफ ताकत से खींचते चले जा रहे हैं, झटका, और ये पेज तारिक भाई ने काट दिया, उनकी पतंग नहीं दिखी। बढ़िया पेज काटा पहला। तारिक भाई दूसरे पेज के लिए रेडी हैं। तैयारी है, चलिए पेज की तरफ आइए दोस्तों, इस पेज को समझ लेते हैं। उल्टे हाथ की पतंग देखिए लेफ्ट साइड, ऊपर से अमान यम का एक क्लब, नीचे हमारे तारिक भाई हैं। पहला पेज काटा है, डोरों पे रख लिया था, बाहर खींच के दिखा रहे थे, वो अंदर की तरफ उतार रहे थे। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, ऊपर जो चक्कर खा रही है, तारिक अंदर बढ़ा रहे हैं तो वो चेहरे की तरफ भाग रहे हैं। देखिए मुड्ढा नहीं रख रहे हैं, देखिए बाहर निकालते चले जा रहे हैं, और बाहर निकाल रहे हैं, बिल्कुल ही चेहरा लेने की कोशिश कर रहे हैं। तारिक भाई पतंग हटा रहे हैं, फिर रखा, बिल्कुल चेहरे पर लड़ाना चाह रहे हैं। तारिक भाई ने थोड़ा सा झुकाई दिया ताकि जगह अंदर की लेंगे, ये देखिए जगह ले रहे, वो बाहर निकाल ले रहे हैं पतंग, और बाहर निकाला, बिल्कुल ही चेहरा लड़ाना चाह रहे हैं।
चलिए कुछ कह नहीं सकते, ये भी पेच लड़ाने का एक तरीका होता है, आपको ऐसे ही काटना है उनको और वो भी आपको ऐसे ही काटेंगे। नीचे नीचे बढ़ते चले जा रहे हैं, तारिक भाई नीचे नीचे बढ़े हुए हैं, वो बिल्कुल चेहरा ले रहे हैं, मतलब ज़रा भी ऐसा नहीं लग रहा कि थोड़ा सा अंदर आके फिर चेहरा फान, और ये पेच कैंसिल कर दिया गया है। आइए दोस्तों एक बार फिर से कोशिश कर रहे हैं। तारिक भाई की पतंग देखिए राइट साइड नीचे की तरफ है, ऊपर वाली पतंग जो दिख रही है आपको हमारे यम के, चलिए अब कम से कम बीच में हल्का सा बीच में उतर रहे हैं, ये बढ़िया है, थोड़ा मौका दे रहे हैं तारिक को, ऊंचा खींच रहे हैं तारिक, अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, अंदर की तरफ खींच रहे हैं, उन्होंने पैरेलल यानी संगत से ऊपर खींच लिया, ठीक है। तारिक पूरी कोशिश कर रहे हैं पतंग को लड़ाया जाए, लेकिन जो है अमान कुछ और सोच रहे हैं, हो सकता है जब सामने वाला खिलाड़ी पूरी तरह थक हार जाए तब हम अपना चाल चलें, ऐसा भी होता है पतंग में, लेकिन इसमें यम बहुत सब्र से लड़ाती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि एक पतंग पूरे दिन में लड़ जाए तब भी वो लड़ा लेंगे, बस सामने वाले का सब्र देखते हैं। पतंग काफ़ी कम हो गई है यम की, चलिए पतंग को बढ़ा रहे हैं इसी बात पे, पेच कैंसिल। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ्ट साइड ऊपर से अमान, नीचे से तारिक भाई बढ़ते हुए, थोड़ी सी हवा स्ट्रेट पुरवाई की तरफ आई है, कोनी है लेफ्ट साइड, इस नीम पे आ गई है, अब ध्यान से समझना, ऊपर से बिल्कुल देखिए, अब थोड़ा सा जो है जगह दिया है, लेकिन जगह देते जैसे अंदर खींचते हैं तारिक भाई, वो संगत से ऊपर खींच ले जाते हैं, ठीक है। पेच की रेंज मेरे पास से तारिक भाई की पतंग तकरीबन 300 मीटर पे है, वो रखते हुए अब लेफ्ट साइड ऊपर वाली पतंग जो बाहर को चक्कर दे रहे हैं, ये अमान की पतंग है, अमान यम का एक क्लब, फाइनल का दूसरा पेच, पहला पेच तारिक भाई ने नीचे से काटा, दूसरा लड़ा रहे हैं नीचे से, चेहरे की तरफ लगातार बढ़ते हुए, ये तीसरी चौथी बार समझ लीजिए कोशिश हो रही है। वो रखें तो काम बने ऊपर वाले यानी कि हमारे अमान, फिर से तारिक अंदर ताकत आजमाइश करते हुए, और अंदर वो और बाहर निकालते हुए, और अंदर चलते हुए, ये पेज कैंसिल नहीं होगा, वो ढीले बल चक्कर दिए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा देखना पड़ेगा, जैसे ये चक्कर दे रहे पतंग बड़ होती तो अंदर खींच देते तारिक, तो उनकी पतंग कट सकती थी, ठीक है बिल्कुल सही जगह अब है दोनों के लिए, चलिए लगाने की कोशिश उन्होंने उतारा, तारिक भाई ने ताकत से करता आखिरी में बढ़िया पेच काटा है, कितनी भी देर लगाइए लेकिन आपको पेच काटना है, अब चाहे वो पूरा दिन लगा दे, इस मामले में यम बहुत ही अच्छा करते हुए बढ़िया पेच यम ने काटा है, और अमान ने पूरा ताकत से बाहर तो खींचा था, उतनी ताकत से गद्दा उतारा और थपक लिया क्योंकि जगह नहीं थी तारिक भाई के पास, और ये पेच अमान ने काट के स्कोर एक एक की बराबरी कर दिया। बुनियाद बाग से हमारे भाई, क्या नाम है आपका? विकास। विकास कैसा लगा ये पेच? बढ़िया था भाई, टाइम लिया लेकिन काट दिया। टाइम लेके काट दिया, कितना टाइम लगा दिया यहाँ पे अमान ने, यम के मेंबर ने? कम से कम आधा घंटा भाई। खाने से कोई मतलब नहीं है, काटने से मतलब। विकास ने कहा काटा बढ़िया है, बाकी और भी सब लोग भाई हमारे खड़े हैं, यंग लोग हैं, सब सीख रहे हैं पेच को, देख रहे हैं, एक्सपीरियंस लोग भी हैं, खिलाड़ी लोग भी सब मौजूद हैं यहाँ। इधर ये पूरा खेमा दिख रहा है आपको, ये है हमारे नवाब का, रजान भाई दिख रहे हैं आपको। बुनियाद बाग के इस ग्राउंड में बढ़िया मैच होता हुआ, फाइनल मैच चल रहा है, एक एक की स्कोर की बराबरी है, फहाद पेच लेने जाएंगे अगला मेरे ख्याल से। आए दोस्तों अब जो है यम पतंग नीचे से ला रहे हैं, ऊपर से नवाब के मेंबर हमारे फहाद भाई लड़ा रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग यानी उल्टे हाथ की पतंग देखिए नीचे से कौन लड़ा रहे देखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड नीचे पेच बिल्कुल सही है, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे, अरे भैया धीरे बोल लो यार, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से बढ़ते हुए यम के मेंबर, स्कोर एक एक की बराबरी है, फाइनल मैच चल रहा है ये,
128 टीमों के गेम में दो टीमें ये दिख रही हैं आपको, हल्के हाथों से फहद भाई करीब करा रहे हैं, हटाया और रखा। राइट साइड वाली पतंग ऊपर से है, चेहरे की तरफ ये भी आ रहे हैं, ठीक है, चेहरे की तरफ बड़े हुए हैं वो, एक ही जगह नीचे पतंग को चक्कर दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा नीचे है पतंग। पेच की रेंज मेरे पास है 450 मीटर से ज़्यादा। लेफ्ट साइड पतंग नीचे लगातार। फाइनल मैच, एक एक पेच की बराबरी, 6 पेच का ये गेम, 2 प्लेयर लड़ाएंगे हर टीम से। फाइनल गेम चल रहा है ये, हल्के हाथों से अंदर अंदर बढ़ते हुए हमारे यम के मेंबर, थोड़ा बाहर निकाला, दोनों ही चेहरे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कन्ने से। ये रखा उन्होंने, पट कर लिया, राइट साइड वाली पतंग ऊपर से थोड़ा सा ऊंचा कर लिया, बहुत ज़्यादा नीचे खाली करा करा के लड़ाना चाह रहे हैं यम के मेंबर। अंदर बढ़ते हुए इस बार जो है नवाब भी चेहरे से ही लड़ा रही है, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं आ रहे हैं। इस बार फटाव भी ठीक ठाक है, अंदर की तरफ ताकत से खींचते आ रहे हैं, मेरे ख्याल से ऑन लड़ा रहे हैं, इस तरह ऑन ही लड़ाते हैं। ऊंचा कर रहे हैं, अमान लड़ा रहे, चलिए अमान लड़ा रहे। ऐसा लग रहा है यम की तरह नवाब लड़ा रही है बिल्कुल। फहद भाई आराम आराम से लड़ा रहे, जैसे अमान लड़ा रहे थे वैसे ही फहद लड़ा रहे हैं। अब ऊंचा करते हुए 2 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया, 2.5 मिनट। हल्के हल्के हाथों से नीचे ला रहे हैं फहद, थोड़ा बाहर, ठीक है। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से है, ध्यान से समझना है, फिर हटा लिया। वो अंदर की तरफ अब आ रहे हैं, अब रखा फहद ने गद्दा रखा बाहर की तरफ, चपटा खींच रहे, उन्होंने पट मारा वहीं पे, वहीं कटे। 2-1 से आगे है नवाब, बढ़िया पेच काटा फहद भाई ने, पूरा चपटा बाहर खींच ले गए, वो पट मार रहे हैं, इससे अच्छा ताकत से अंदर खींचते, पूरी ताकत से अंदर खींच ले जाते। 2-1 का स्कोर है। फहद भाई एक बार फिर से पेच लेने की तैयारी कर रहे हैं, तारिक भाई खड़े हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी ने हालत पस्त कर दी है समझ लीजिए, और इस गर्मी में छाई का सहारा लेके सारी ऑडियंस खड़ी हुई है, 2000 से ज़्यादा लोग मौजूद हैं इस समय, और जैसे जैसे और शाम होगी वैसे वैसे लोग बढ़ते जाएंगे। चलिए अगला पेस कोशिश हो रही है, हवा बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है। 2-1 से नवाब आगे, फाइनल का ये मैच चल रहा है, सामने यम है, यम से लड़ा रहे हैं हमारे अमान और ऑन भाई। ये देखिए ज़रा भीड़ देखिए, मैं तो 2000 लोग बोल रहा हूँ, मुझे लग रहा बहुत ज़्यादा लोग हैं। इधर आसिफ भाई भी हैं, गाजी के मेंबर्स सारे खड़े हुए हैं, हमारी टीम है ये, वो देखिए उधर तक हर तरफ लोग हैं, हर तरफ लोग। आए दोस्तों, 2-1 से नवाब आगे है, लेफ्ट साइड नीचे से ऑन बढ़े हुए हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए उल्टे हाथ की, ऊपर से नवाब के हमारे ऑन है, देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल से फहद लड़ा रहे हैं, करीब करा रहे हैं, ऑन ने पतंग को चक्कर दिया, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से है और लगाया, लगा रहे थे लेकिन उन्होंने पट कर लिया, देखना है पेच है कि नहीं, पेच नहीं है, ठीक है। लेफ्ट साइड अब जो पतंग है वो ऊपर से ही है, पेच सही है, पेच बिल्कुल सही है,
हल्के हल्के हाथों से अंदर की जगह ले रहे हैं ऑन। फाइनल ये मैच चलता हुआ, ठीक है थोड़ा सा बाहर निकाला फहद ने। अब जैसा अमान लड़ा रहे थे वैसे ही फहद लड़ा रहे हैं, अब चेहरा चेहरा, हवा भी नहीं लग रही है, ठीक लड़ा रहे, बिल्कुल सही लड़ा रहे। क्योंकि कोई भी पेच ख़राब नहीं होता, वो तरीका होता है अपना अपना, पेच कैंसिल है। चलिए एक बार फिर से तैयारी है, 2-1 के स्कोर से नवाब आगे है। लेफ्ट साइड वाली पतंग जो नीचे चक्कर खा रही है, ऑन लड़ा रहे हैं नीचे की तरफ से और ऊपर से रखते हुए फहद। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे हल्के हल्के हाथों से ऑन अंदर की तरफ आते हुए, थोड़ा बाहर निकाला फहद ने। बाहर निकालने का मतलब होता है अपनी तरफ पतंग को लाना। देखिए ऊंचा करते हुए यहाँ पे ऑन, फहद हल्के हाथों से बाहर निकाल ले फिर अंदर लेके आ रहे हैं। इस तरह से वो अपनी पतंग कम करते चले जा रहे हैं और पहले से ही ऑन की पतंग कम है थोड़ी सी, अधी है लेकिन पौना लग रहा है ऑन की पतंग क्योंकि उनका फर्मा ऐसा है। बहुत आराम आराम से फहद लड़ा रहे हैं। फहद की पतंग ऊपर राइट साइड, सीधे हाथ को पतंग देखिए, हवा नहीं लग रही है ऑन की पतंग में, दोनों ही पतंगों में हवा नहीं है। और बाहर निकालते हुए ऑन, अब इन्होंने अंदर रखा फिर हटाया पेस सही, और अंदर रखते हुए वो पट करके बाहर निकाल रहे, वो और अंदर लेके आ रहे हैं। पेज बहुत कम आ गए हैं, 300 मीटर के करीब आ गए हैं। ऊंचा किया, ऊंचा किया है, रखा जल्दी से पट कर लिया, पेज लड़ेंगे नहीं, लगाने की कोशिश, ऑन लड़ाएंगे कि नहीं, नहीं लड़ाया, नहीं लड़ाया, पेज कैंसिल। दो एक के स्कोर से कशमकश चल रही है यहाँ पे, कभी हवा बदल रही कभी कुछ हो रहा है। भैया टीएम यार क्या कर रहे हो भाई, भैया तिवारी तुम और मेला लेके खड़े हो जाते हो तुम इसे। चलिए हमारे भाई लेने आएंगे पेच ऑन, शाह आलम भाई हमारा उनका साथ दे रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से ऑन, 2-1 के स्कोर से आगे ऊपर फहद। राइट साइड वाली पतंग देखिए ऊपर, लेफ्ट साइड ऊंचा करते हुए ऑन, पेस सही है। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से है, नीचे से ध्यान रखे रहिए, ऑन है 2-1 से, आगे है नवाब ऊंचा करते हुए, बाहर निकाल रहे हैं फहद फिर अंदर लेके आए। राइट साइड वाली पतंग ऊपर से है, ध्यान से समझना है पेच को, ठीक है। लेफ्ट साइड वाली पतंग ये रखा फहद ने हल्के हाथों से, अभी भी चक्कर दे रहे हैं ऑन, अभी भी चक्कर दे रहे हैं फिर अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं। पेज सही है, पेज लड़ाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं दोनों जन, टाइम ख़राब करा रहे हैं सारी ऑडियंस का, कमेटी का। चलिए इसी बात पे रखा फहद भाई ने, गद्दा रख रहे हैं वो पट मार रहे हैं, ओ क्रॉस निकलनी थी नहीं निकली, और रखा फिर उन्होंने पट कर लिया फिर अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं। दोनों नहाने की कोशिश कर रहे हैं यानी लांग जाने की, नीचे पट कर लिया अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं ऑन, अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं। पेच तो सही है लेकिन लड़ाएंगे तब काम होगा। फिर रखा फहद ने, जैसे वो नीचे रखते हैं ऑन भाई पट कर लेते हैं,
पतंग कम करते चले जा रहे हैं ऑन, और रखा वो और हटा रहे हैं, ना वो ज़्यादा अंदर बढ़ रहे हैं ना वो ज़्यादा अंदर बढ़ रहे हैं, और फहाद चेहरा लिए हुए लगातार। ठीक है, बढ़िया ऊंचा कर लिया फहाद ने, पतंग को बढ़ाया, काफ़ी पतंग कम कर लिया है ऑन भाई ने हमारे, फिर बढ़ा रहे। ठीक है, पतंग को बढ़ा लिया, अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं फहाद, अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं, पेस सही है, काफ़ी ज़्यादा दोनों पतंगों के बीच में गैप होता हुआ। ठीक है, थोड़ा बाहर निकाल रहे हैं अब पतंग को। ठीक है, ऊंचा कर लिया है ऑन भाई ने, देखिए ऊंचा, उन्होंने गद्दा चला, गद्दा चले वो अंदर खींच रहे, गद्दा मारते जा रहे, वो अंदर खींचते जा रहे गद्दा पट, लेकिन फिर रोका, फिर गद्दा सीधा सीधा। अब देखते हैं ये पतंग जो दिख रही है ऑन की है, देखना पड़ेगा, पेज कैंसिल है, दोनों की पतंगें आ गई हैं, पेज कैंसिल है, पेज कैंसिल। पब्लिक खड़ी हुई है पेज के लिए, ऑन ले रहे हैं पेज, चलिए नीचे की तरफ से ऑन, ऊपर से फहाद भाई, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे, पेज सही है, पेज सही है, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए ऑन, लेफ्ट साइड ऑन, वो रखते हुए बाहर की तरफ ताकत से खींचा है, और ये देखिए बढ़िया पेज काटा है, 3-1 का स्कोर हो गया है नवाब का, पूरा खींच ले गए थे, इनको झटकना चाहिए था जैसे ही लांगी थी पतंग, पर बढ़िया पेज नवाब ने काटा है ये, और यहाँ पे ऑन कटे हैं, कुछ बता रहे हैं शाह आलम भाई उनको, शाह आलम भाई तीन एक का स्कोर हो गया है। आइए दोस्तों ये पेज, अब फहाद देखिए वहाँ पे खड़े हैं पतंग लिए हुए हैं, भीड़ देखिए कितनी है, और उस तरफ से पेज कौन ले रहा है देखना पड़ेगा, अमान पेज लेने जा रहे हैं, देखिए ऑरेंज कुर्ते में है, बढ़िया 3-1 के स्कोर से आगे है नवाब, सबको पीछे किया जा रहा है, बहुत भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पब्लिक, 2000 से ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे, कमाल, बिल्कुल जहाँ आप देखेंगे उधर गुच्छा है एकदम अंगूर का, समझ लीजिए। चलिए अमान जो है, अमान रेडी हैं डोर निकालने के लिए, अमान कह रहे हैं, पब्लिक देखिए कितनी गजब पब्लिक है, बना लिए डोर बढ़वा रहे हैं। चलिए पेज को अब नीचे से अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं अमान, ऊपर से फहाद, पेज की रेंज 450 मीटर, आज के दिन का सबसे दूर पेज ये लड़ रहा है, 3-1 से नवाब आ गए, फाइनल मैच चल रहा है ये। चलिए तले ऊपर आ गई है, यानी एक दूसरे के खाने में, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से है यम के हमारे अमान, स्पीड के दिन के सुपर स्टार हैं ये, और यम से नीचे से पेश लड़ा रहे हैं अमान, बाहर पतंग को निकाल रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, चक्कर लिया, अब फिर अंदर लेके आ रहे हैं,
अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं अमान, और वो बाहर खींच रहे हैं फहाद। तारिक और फहाद लड़ा रहे हैं नवाब से। चलिए देखते हैं, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से, अमान काफ़ी ज़्यादा अंदर बढ़े हुए हैं और अंदर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो फहाद भी अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, थोड़ा बाहर निकाला, ठीक है, रखा फहाद ने, उन्होंने पट किया, फहाद ने चक्कर लिया, अंदर की तरफ लेके आ रहे हैं, बाहर का गद्दा रखा, उन्होंने और पट किया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों जल्दी से, पहले शेयर कर दीजिए वीडियो को। लेफ्ट साइड पतंग देखेंगे, लेफ्ट साइड पतंग देखिए नीचे, काफ़ी ज़्यादा देखिए नीचे रखे हुए, यहाँ रखे हुए ताकि गद्दा ही ना पड़े फहाद का, ठीक है, उनका तरीका है, जैसे वो लाते वो थोड़ा पट कर लेते, और रखा उन्होंने, और पट किया, और रखा उन्होंने, और पट किया, और ये लांग गई पतंग उन्होंने ऊंचा कर लिया। चलिए डोरों पे रखा हुआ है, देखते हैं पेच है कि नहीं। नीचे वाली पतंग अमान की है ऐसा समझिए, बढ़िया पेच काटा, बहुत शानदार पेच काट दिया फहाद ने, जबकि हल्की पतंग थी, फहाद की पतंग हल्की थी, और स्कोर कर लिया है 4-1। देखिए भीड़ कितनी है, गजब। कहा है तफरी कर रहे हो निहाल, अरे हमें नहीं पता कौन क्या है, कुछ कह रहा बहुत गिरे हुए। चलिए दोस्तों तफरी मस्ती हो रही है, फहाद देखिए चारों तरफ इनके भीड़ है। हाँ वही 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 निहाल यहाँ मस्ती कर रहे हैं। कैसा लग रहा है गेम? बहुत जबरदस्त, मजा आ रही है, बहुत जबरदस्त। ये सिर्फ बुनियाद बाग में देखने को मिलेगा, और कहीं नहीं मिलेगा आपको, और कहीं नहीं, ये बुनियाद बाग है। ये हमारे बहुत बड़े फैन है, बता रहे क्या नाम है, मोहसिन और फैज। चलिए पेज की तरफ, फिर उधर जा रही है, क्या हाल है, चश्मा लगाइए आप, बहुत भौकाली, क्या हाल है, बहुत हैंडसम, बहुत हैंडसम। सिमी भैया कहाँ यार, क्या ताली बजाइए, मैं आपको बता दूं, हाँ बताइए बताइए, बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं लोग इनको सम्मानित करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सम्मानित सिर्फ ट्रॉफियां देके ना करें, बिल्कुल, क्योंकि जितनी अच्छे से मदद कर सकते उतनी करें, जरूर, हमसे जो हो सका हमने किया, कमेटी ने, जो भी कमेटी ने, कमेटी की तरफ से अली नवाब साहब के लिए, इदरीस भाई के लिए, और भी जो लोग हैं, बहुत बढ़िया, बैठे आप, बैठे आप, बैठे ये हमारे नायब फनकार हैं मुबारक, और ये हमारे इदरीस भाई, उस्तादों के उस्ताद हैं हमारे ये इदरीस भाई, इधर देखिए सर, इदरीस भाई इनके लिए भी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बैठ जाइए, हमारे पुत्र बिलाली है जबरदस्त, उनके पिताजी चौरसिया जी आ रहे हैं, भाई ये बताइए किसी भी टूर्नामेंट में कहीं भी हो साइकिल से पहुंच जाते हैं, पहुंच जाते टूर्नामेंट देखिए, एक बार मेरे साथ भी जरूर खींच, बिल्कुल जुड़ी हुई है, चार एक का स्कोर है। लेफ्ट साइड नीचे से हमारे अमान यम से, 4-1 का स्कोर है, ध्यान से समझना है, ऊपर से फहाद भाई रख रहे हैं पेच, राइट साइड वाली पतंग ऊपर, ऊंचा करते चले जा रहे हैं अमान, बाहर की तरफ गद्दा शो किया उन्होंने, अमान नीचे की तरफ, फहाद भाई रखते हुए हल्के हाथों से बाहर कर रहे हैं, वो पट कर रहे हैं पतंग, फिर से ऊंचा किया फहाद भाई ने हमारे,
दोनों ही पतंगों पे ध्यान रखें, यम वालों पे भी और नवाब वालों पे भी। मुट्ठा रख के पेस पेस सही है। भीड़ देखिए कैसे देख रही है। पेस सही है, आई लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से अमान। यम काइट क्लब फाइनल ये मैच चलता हुआ, अंदर की तरफ बढ़े हुए हैं फहाद, और अंदर बढ़ रहे हैं। लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से बाहर निकाल रहे हैं अमान, वो अंदर बढ़े हुए हैं फहाद नवाब काइट क्लब। चार एक का स्कोर है, छह पेस काटने हैं फाइनल जीतने के लिए। 90,000 फर्स्ट प्राइज, 60,000 सेकेंड प्राइज, इसके अलावा भी थर्ड फोर्थ के लिए भी प्राइज है। 90,000 तो बहुत छोटा अमाउंट है, इसके अलावा इतना ही इनाम है पहले स्थान के लिए। चलिए रखते हुए गद्दा, वो पट कर रहे हैं, खाली करा रहे हैं गद्दा, रखते जा रहे हैं। रोकी पतंग हटाया फहाद ने वापस, अंदर की तरफ ताकत से खींच रहे हैं, ये गद्दा मार गए और ये डोरों पे रखा, बढ़िया पेच काटा है ये फहाद ने, 5-1 एक तरफा करते हुए। और ये देखिए बम धमाका, 5-1 का स्कोर हो गया है। एक पेच काटने, क्या पेच काटा है फहाद ने, वो फंसा के लड़ा रहे थे तो फहाद हर पेच ही फंसा के लड़ाने लगे, जैसे को तैसा पेच लड़ा रहे हैं ऐसा लग रहा है, उन्हीं के जैसा पेच लड़ाने लगे हैं। पिछले 3-4 पेचों में ऐसा ही पेच देखने को मिला। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए नीचे से, लेफ्ट साइड पतंग नीचे से, ऊपर वाली समीर की पतंग राइट साइड। 4-2 का स्कोर है, ये 5 पतंगों का मैच है। मैं बता दूं आपको, कंफर्म कर दूं, 5 पेच का मैच हो रहा है तीसरे और चौथे पोजिशन के लिए। 4-2 के स्कोर से स्पीड काइट क्लब आगे है, नीचे से है अवध, अंदर की तरफ उतारते हुए समीर चक्कर देके बाहर की तरफ ला रहे हैं, वो अंदर की तरफ लगाए हुए हैं, बाहर की तरफ करीब करते चले जा रहे हैं। उन्होंने पट किया, फिर से चलाया, फिर क्रॉस पट मारा, रोकी पतंग, वो गद्दा मारते जा रहे, ताकत से अंदर की तरफ खींच रहे थे, उनका गद्दा पड़ गया करारा, और इस तरह से स्पीड काई क्लब तीसरा स्थान प्राप्त करने में कामयाब हो गई। स्पीड काई क्लब को बधाई। कामरान भाई हैं हमारे साथ और फोटो खिंचवा रहे हैं हमारे उस्ताद के साथ, उस्तादों के उस्ताद हैं ये, हमारे आगा उस्ताद के भी उस्ताद हैं इदरीस जी, और उनके साथ उनके शागिर्द एक और हैं हमारे राहुल खड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए हुए हैं। टीम के लिए कमेटी को हमारे संजीव यूट्यूबर की तरफ से 6 कोल्ड ड्रिंक आ चुकी हैं, क्योंकि 5-1 का स्कोर है। ये ऐलान किया था हमारे संजीव, जितने पेच होंगे उतनी 2-2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक हमारे संजीव भाई देंगे। इन्होंने 6 पेचों का, यानी कि 5-1 का स्कोर है, उन्होंने 6 कोल्ड ड्रिंक कमेटी को दी है, जो अभी तक के हम लोग 5-1 का स्कोर है। नवाब ऊपर से बढ़ती हुई, नीचे से मेरे ख्याल से अब ऑन होने चाहिए। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से, ऊपर से फहाद लगातार, पीछे हो जाता हूँ, पीछे हटते जाइए भैया, पीछे से मेरे हटते जाइएगा। लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, लेफ्ट साइड वाली पतंग देखिए, पीछे और हट जाए। ये पतंग जो दिख रही है ये नवाब की, बहुत ज़्यादा अंदर बढ़े हुए हैं, और ये पतंग इधर है हमारे यम की। 5-1 का स्कोर है, जो ये पेच काट देगा, मतलब नवाब ने अगर काट दिया तो हटिएगा, नवाब ने अगर ये पेच काट दिया तो फाइनल जीत जाएंगे। और यम को जिंदा रहने के लिए ये पेच हर हाल में काटना है। नीचे का पेच ले रहे हैं यम, लेफ्ट साइड वाली पतंग देख सकते हैं आप, लेफ्ट साइड वाली यानी आपके उल्टे हाथ में जो पतंग है, नीचे से बढ़े हुए हैं यम के मेंबर। कौन लड़ा रहे हैं नीचे से, देखना पड़ेगा, यम से ऑन लड़ा रहे, चलिए यम से ऑन लड़ा रहे हैं। सीधे हाथ की पतंग देखिए, ऊपर नवाब के हमारे फहाद लड़ा रहे हैं। फहाद ने जब से डोर संभाला है तब से लगातार पेच काट रहे हैं, और जैसा यम लड़ा रही थी बिल्कुल वैसा ही लड़ाने लगे।
लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से, लेफ्ट साइड वाली पतंग नीचे से। अगर ये पेच नवाब काटती है तो 90,000 के अलावा लाखों रुपए के इनाम इनके लिए है। चलिए खींचना स्टार्ट किया, इन्होंने गद्दा चला, फहद ने गद्दा चला, रोक के पट मारा है, ताकत से उनका गद्दा पड़ता चला, आखिरी में थपक रहे हैं, ये अंदर का चक्कर रखा है, पेच मजबूत, जीत गई है नवाब, नवाब ने जीत दर्ज कर ली है। बहुत ही बढ़िया, ये एक तरह से ऑल इंडिया अधी का जीत लिया है। चलिए 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 जल्दी से दिखाएं, ये वाले मोमेंट जरूर कैप्चर करने रहते हैं। बाबू मेरा रॉकी भाई हमारे गेम की बाल्टी रोल कर लेगा। आइए रॉकी भाई, बहुत बहुत बधाई, आ रहे हम कमेटी के पास जा रहे हैं, जाइए जाइए। और इस तरह से नवाब ने ये ट्रॉफी जीत ली, ऑल इंडिया अद्धी का ये टूर्नामेंट जीत लिया। चड्डा भाई आए हुए हमारे, चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद, नवाब ने ये टीम मैच जीत लिया है ऑल इंडिया अद्धी का। फिर से जुड़िएगा काइट कल्चर के साथ, जुड़े रहें यूं ही। ये देखिए स्काई के मेंबर्स हैं, इसके अलावा हमारे आसिफ भाई हैं मोरंग वाले, आसिफ भाई मोरंग वाले, निहाल हैं, बाकी स्काई के सारे मेंबर्स यहाँ मौजूद हैं। चौबारा कैसा था? ले गया था मैंने आज पहली उड़ा के चार काट दिए, लेकिन थोड़ी गलती और हवा की वजह से मैं कट गया। कोई बात नहीं, आपने चार तो काटे, अगली बार फिर से लीजिए। आसिफ मोरंग भाई से दोबारा लीजिए, इनसे दावत में गए थे, दावत से लौट के आके इन्हीं ने जो मुझे डोर दी। चलिए फाइनल के लिए देखिए इसी पेड़ का सहारा लिए लोग खड़े हुए हैं, तमाम लोग खड़े हुए हैं, ये देखिए कितने सारे, और इसी तरफ पेच ले रही है यम ऊपर से, लड़ाएंगे ऑन। फिलहाल शाह आलम भाई के हमारे हाथ में पतंग है, ऑन भी वहीं खड़े हैं यहाँ पे।